करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है और इस बार 1 नवंबर को ये चतुर्थी तिथि हमें मिल रही है और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में मिल रही है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि है वो भगवान गणेश के नाम समर्पित है और साथ ही जो दिन है बुधवार का वो भी भगवान गणेश के नाम समर्पित है। तो इस बार 1 नवंबर को चतुर्थी तिथि भी मिल रही है और बुधवार का दिन भी मिल रहा है, तो बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में ये हमें करवा चौथ का व्रत करने का अवसर मिलेगा। सभी सुहागन स्त्रियां और कहीं कहीं पर कुंवारी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। तो करवा चौथ व्रत करने का पहला नियम है, इस व्रत को निर्जला किया जाता है। सुबह सवेरे सरगी खाकर व्रत की शुरुआत होती है। दिन भर हम जल फल कुछ भी नहीं लेते हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाता है, फिर चंद्र को अर्घ देते हैं। उसके बाद पति की पूजा करके हम जल पीते हैं, साथ ही फलाहार या फिर भोजन भी कहीं कहीं ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से करवा चौथ व्रत करने का पहला नियम है। अब आप सबके बहुत सारे सवाल आए हैं कि दीदी हम क्या पुरानी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। पुरानी चीजों में सबसे ज्यादा है प्रतिमा, जो करवा माता की प्रतिमा है, फोटो है जिसे आप कहते हो, तो क्या हम इसे हर बार नया ले आए कि पिछले साल का ही इस्तेमाल कर लें? तो आप पिछले साल की जो करवा माता है इनका ही पूजन करें। आप जब तक आपकी ये फोटो सुरक्षित है आप आराम से पूजा कर सकते हैं, हर बार लाने नया लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पहला ही आपका सवाल था कि करवा माता की फोटो क्या हर वर्ष नई लानी होती है कि नहीं। करवा माता की जो कथा होती है इसमें नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो, हमारे चैनल पर है तो वो भी आप सुन सकते हो। पहला अहम सवाल था। दूसरा सवाल था कि जो हम 16 श्रृंगार करते हैं इसमें 16 श्रृंगार की बहुत बड़ी महत्ता है, तो 16 श्रृंगार की चीजें स्वयं के लिए नया खरीदें, 16 श्रृंगार की चीजें माता करवा माता पार्वती के लिए खरीदें, 16 श्रृंगार की चीजें हम सासू माँ को खरीदें, तो कितनी चीजें हमें खरीदनी होगी, कितना मतलब कैसे क्या करना होगा? तो देखिए इतना ज्यादा आप परेशान ना हो, सिर्फ जो हम करवा माता को या माँ पार्वती को भेंट करेंगे वही चीजें हमें नई खरीदनी होती हैं। आप स्वयं के पहनने के लिए पुरानी चीजें ही इस्तेमाल कर लें। आपके पास पुरानी साड़ियां हैं उसे धो के साफ कर लें, आपके पास पुरानी चूड़ियां हैं वो भी आप लेके रख लें। कहने का अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि हर वर्ष आप नए नए वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। यदि आपका बजट है तो आप ले सकते हो, लेकिन आवश्यक नहीं है। सिर्फ देवी देवताओं के पूजन में इस्तेमाल की हुई चीजें ही हमें नई लेनी होती हैं। दूसरा, जैसे चांदी की बिछिया देने का बजट नहीं होता किसी किसी का, तो क्या वो जो दूसरी वाली बिछिया होती है वो चढ़ा सकती है कि नहीं? बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो चलनी होती है, चलनी को भी लेकर बहुत ज्यादा आप सबके कंफ्यूजन है, जैसे ये चलनी है तो चलनी क्या हम पुरानी ही इस्तेमाल करें कि नई ले लें? तो देखिए आप पुरानी चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपके मेरी ये पुरानी चलनी है, अब इसे हमने पूजा किया उठा के रख दिया, अब फिर से इस बार पूजा करके हमें रख देना है, तो अगर हम पूजा करके इसे रख देते हैं बिल्कुल ये नई है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपने इस चलनी का इस्तेमाल अपनी रसोई में कर लिया है आटा वगैरह छानने के लिए कभी, तब फिर उसको नहीं लेना है, आपको नई चलनी ही लेनी है। दूसरा, चलनी को लेके प्रश्न है कि क्या हम लोहे की चलनी लें कि प्लास्टिक की लें? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसका रीजन क्या है कि जो प्लास्टिक की चलनी होती है उसको आप यहाँ पर दीपक रखा जाता है, अब हम जब दीपक रखकर इस तरह से पूजन करेंगे और प्लास्टिक होगा तो जलने का चांस रहेगा, और शुभ तिथियों में शुभ मुहूर्त में कोई विशेष पूजा पाठ करते समय कोई चीज जल जाती है तो अशुभ माना जाता है। तो इसलिए आप पहले से सावधान रहें, लोहे की चलनी का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा, चलनी से ही संबंधित सवाल है कि पहले हम चांद को देखें चलनी से कि पहले अपने पति को देखें, ये ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन है। तो देखिए जब हम संध्या की पूजा करेंगे तो पहले चौकी पर सभी पूजा की सामग्री रखकर करवा माता की तस्वीर और शिव परिवार की तस्वीर रखकर हमें पूजा करना है। करवा हमें 2 लेना है, अभी हम आपको करवा दिखाते हैं। तो इस तरह से पूजा आपका जब हो जाएगा उसके बाद चंद्र उदय का जो समय है उस समय आप एक थाली में सारी सामग्री लेकर छत पर जाएंगे जहां से आपको चांद दिखेगा, और फिर पहले चांद को देखेंगे
चांद को अर्घ देंगे, चांद को धूप दीप दिखाएंगे, भोग लेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, उसके बाद हम अपने पति का पूजन करेंगे। इस तरह से हम ये चांद की पूजा और पति की पूजा करते हैं। पति के हाथों में मौली वगैरह, वो सारी जानकारी हमारे चैनल पर है, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये चलनी को लेकर आपके बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो मैंने सोचा मैं आपकी दूर करूं। अगला सवाल है सरई को लेकर। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि सरई क्या होती है। तो देखिए, ये हमारी पुराने वर्ष की सरई रखी हुई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये है सरई, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पीस मैं आपको लेकर दिखाऊंगी। ये है सरई, मार्केट में आसानी से मिलती है। तो सरई चार की संख्या में एक करवा में लगाई जाती है। जैसे हम बात करें इधर में, ये है करवा और इसके अंदर ये यहाँ पे ये देखते हैं, ये इस तरह से लगाई जाती है सरई। तो अब ये चार एक करवे में, चार एक करवे में, यानी कि आठ सरई आपको लेनी होती है। यदि आपको चार आठ नहीं मिलता है तो आप चार भी ले लीजिएगा, चलेगा। लेकिन आप एक सरई, दो सरई, मतलब कुछ भी मिल जाए, शुभता के लिए जरूरी है। वैसे आप जब आपको एक मिलेगी तो आठ मिल ही जाएगी। दूसरा, पुराने वर्ष की ये पुरानी सरई हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसको कोई खाया पिया नहीं जाता, कोई जूठा नहीं होता है, तो इसे धोकर वापस फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पुराने वर्ष की आपकी सरई रखी हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुभता के लिए रखा जाता है, करवा माता को जब हम जल देते हैं तो इससे दिया जाता है। तो ये आप इसको समझ लीजिए। और ये है करवा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम करवा जो हमारे यहाँ मिलता, आगे यहाँ पे नोक नहीं निकला रहता है। तो ये नोक वाले करवे का ही महत्व है, वरना फिर आप लोटा ले सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप देखें, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो आप ले लें। मिट्टी का करवा आपको लेना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ होता है। और उसके साथ मिलता है ये ढक्कन। तो लास्ट ईयर मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मैम हमारे पास ये मिट्टी का ढक्कन नहीं है, हम लोग भूल गए जल्दी जल्दी में, नहीं मिला क्या कैसे? तो आप इस पे प्लेट भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो परेशान हो। कोई आपके पास पहले का दीपक हो वो भी आप रख सकते हो। और ये है करवा। अब ये दो हो गया, आपको दिखाएंगे ये है। तो ये दो करवा हर बार लेना होता है, क्योंकि एक हम पार्वती माता को देते हैं और एक स्वयं के लिए रखते हैं, ठीक है? और घर पे यदि आपकी सासू माँ है जो है, सभी लोग दो दो करवे का ही इस्तेमाल करती। बहुत जगह एक एक करवे का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप अपने परिवार के हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे दो ही करवा लोग कहते हैं लेते हैं। किसी किसी के यहाँ एक धातु का हो जाता है, एक मिट्टी का रहता है। मिट्टी का करवा हर बार लिया जाता है, धातु का करवा एक बार ले लेते, हर बार चलता है। करवे के अंदर भरना क्या है, ये ज्यादातर सवाल है। करवे के अंदर हम क्या भरेंगे? तो देखिए, करवे के अंदर कुछ मिठाइयाँ भरी जाती हैं, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पर गुलगुले, पुए, हलवा पूरी ये भरा जाता है, कहीं कहीं पर जल भरा जाता है, कहीं कहीं पर खड़ा अनाज भरा जाता है। तो अब देखिए, जैसे सबके अपने घर के रीति रिवाज अलग होते हैं, अपने एरिया के, अपने प्रांत के अलग अलग नियम थोड़े से होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, अपने परिवार में पूछ लीजिएगा। तो जो भरा जाता हो वो आपको भरना चाहिए। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें जल भर सकते हो। वैसे कहते हैं कि जो इसके अंदर मिठाई वगैरह भरा रहता है उसके ऊपर दक्षिणा करके हम अपनी सासू माँ को ये भरा करवा देते हैं। किसी किसी के यहाँ ऐसी परंपरा है, तो वो आप परंपरा अपना पूछ के इस तरह से आप काम कर लीजिएगा। अब सासू माँ के बायने के लिए भी है कि सासू माँ को हम कैसे दें, क्योंकि किसी किसी के यहाँ ससुर जी नहीं है, उनको बायना कैसे दें? तो देखिए, ससुर जी के ना होने पर भी माता जी को आपको बायना देना है। आप यदि इसमें मिठाई वगैरह भरते हैं तो दक्षिणा करके आप उन्हें दे दें, या फिर आप उनके हाथ में भी कोई साड़ी, कोई चुनरी रखकर उसके ऊपर दक्षिणा वगैरह रखकर, उस सूट भी ले सकते हो, दुपट्टा भी ले सकते हो, जो भी उनको पसंद हो, उनकी पसंद की चीजें लेकर आप उन्हें उपहार जरूर दें। वो आपकी सासू माँ है, माँ है, और बहुत बड़ा इसका रिश्ता होता है करवा चौथ और सासू माँ के बायने से, तो आप इसको जरूर दें। दूसरी बात,
जो सुहाग की चीजें हैं आप सीधा करके जब ब्राह्मणी को देंगे तो उसमें वो सुहागन वाली चीजें आप वहां पर दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब दूसरा सवाल है चुनरी को लेकर। जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे पूजा करते समय हम ये ओढ़ते हैं ना, शादी का जो रहता है, ये शादी का होता है तो ये ओढ़ के लोग करते हैं। वैसे ये हमारा देवी जी के, हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे तो वहां पे पुजारी जी ने हमको, हम लोगों को ऊपर से ओढ़ाया था। इस तरह से शादी का भी होता है। ये देखिए, तो इसको ओढ़ कर पूजा करने की विधि बताई जाती है शुभता हो के लिए। तो अब बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम जो हमारे शादी वाला है वो हमारे पास नहीं है या कहाँ पे है मुझे मालूम नहीं है, तो क्या हम एक नया ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप एक नई चुनरी मार्केट से मंगा लीजिए और शुभ दिनों में उस पे हल्दी कुमकुम लगाकर पहले करवा माता को या फिर आप जो है माता पार्वती को सौंप के यानी पहना के फिर आप ओढ़ कर पूजा कर सकते हो। इस तरह से नई चुनरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपके विवाह की चुनरी आपको नहीं मिल रही या आपने गांव में रख दिया है, कैसे भी है, कई बहनों का प्रश्न था तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा, करवा चौथ का व्रत जो होता है वो कुंवारी लड़कियां कैसे करें? सुहागन स्त्रियां तो इस तरह से कर लेती हैं, तो कुंवारी लड़कियां भी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हैं, चंद्र का पूजन करती हैं और अपने होने वाले पति के दीर्घायु की कामना भी करती हैं, और रात्रि के समय जल फल जो भी आपको लेना हो आप लेकर इस तरह से आशीर्वाद ले सकते हो। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि करवा चौथ व्रत करने के क्या नियम हैं, वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत हमें कब करना है और आप सभी के कंफ्यूजन। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। अब लगातार आपके लिए करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।